हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं मीम्स, वो भी ठग ऑफ मीम चैनल से, तो सब्सक्राइब कर लो। और मीम का टाइटल है द बॉयज़, यानी वैसे होता है ना कि वाक्या सीन है, वाह बेटे मौज करती, तो नहीं वो नहीं है, द बॉयज़ है। तो इट मीन के सारे मीम्स जो हैं वो द बॉयज़ वाले फॉर्मेट में होंगे। तो हेडफोन लगा लो, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, 3 2 1 एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ठग ऑफ मीम्स HTDX। डॉक्टर साहब, आपका चश्मा बंदा हुआ है। पैंट भी बंदी हुई है। मशहूर गुलाटी साहब, नया चीज आ गई मशीन में। क्या मैं यहाँ से टाइप करके आपकी पैंट भी उतार सकता हूँ? तो फिर राजा करो मेरे बाथरूम 9 बजे सवेरे। तुम्हें तो बच्चे पसंद है ना? हाँ, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सो जाओ, सोने से बच्चे नहीं होते, जाकर कुछ करने से होते। अच्छा, ठीक है। किया था 1 महीने पहले, एक बार में हो जाएगा? हाँ, मर्द का बच्चा हूँ, एक बार ही काफी है। एक बार चोई 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 चोई, हमारे शाशुड़ी कहता को। ठीक है, वैसे यार ये डराने वाली बात है, लेकिन नेचुरल है ऐसे आना इस पे। फ्री का सोना लेना चाहते हैं तो आ जाइए जैन बाजार, क्योंकि यहाँ की नालियों में मिल रहा है सोना। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये सोना निकालने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये जो गारा है ये इसमें से अभी सोना निकालेंगे, और सच में गाइस सोना निकला। ये जो आप गोल्डन गोल्डन देख रहे हैं सोना ही है। अगर आपको भी फ्री का सोना लेना है तो आ जाइए जैन बाजार। चला तो रहा हूँ, और कितना तेज चलाऊं? एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? ये ऐसा कुछ तो नहीं लगा सर। क्या लिखा है? तो कोई डेंजरस बॉलर, मतलब वो भी बॉलर है, मैं ही बैट्समैन हूँ सर। अच्छा, जरूर बॉलर से रिलेटेड कुछ होगा। हिंदी में लिखा होता इसलिए मुझे नहीं पता क्या था। शादी के बाद सोसाइटी में हमारी जोड़ी बेस्ट जोड़ी मानी जाएगी। कोयल, ओए पप्पू की गल कर रहे हैं यार, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे बेस्ट जोड़ी रोशन और रोशन की है। सबसे बेस्ट जोड़ी हमारी है। नहीं नहीं है, बिल्कुल अमन है। हाँ बोलिए ना, सबसे बेस्ट जोड़ी हमारी है। मेरी माँ कहती है कि सबसे अच्छी जोड़ी हमारी है, राधा और कृष्ण की जोड़ी। नहीं, सबसे बेस्ट जोड़ी तो अय्यर भाई मजाक ले। तुम यहाँ पे इलाज कराना है? किस चीज का इलाज करा रहे हो? शीघ्र पतन का, और थोड़ा छोटा है। शीघ्र पतन का छोटा है, खत्म। अरे यार देखिए, इसी तरह की बीमारियों में हमारा युवा के एकदम मति भ्रष्ट हो जाता है। कितना लम्हर कर लोगे, बॉस बना लोगे? क्या पूछ रहे हैं? खाली अफ्रीका वालों के छोड़ के ना जितना लोग है सबका मतलब छोटा ही होता है, मेरा भी वही समझो। ऐसे इलाज को मारने की क्या पूजा करूं? हुआ क्या ये तो बताओ। अरे बड़ी मुश्किल से तो कर्जा लेकर के एडमिशन करवाया इसका कोचिंग में। अच्छा, और कोचिंग में छुट्टी मारने के बहाने से इसने बोल दिया कि हमारे दादाजी खत्म हो गए। ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात है। और जब मैंने घर पे पूछा कि आज कोचिंग क्यों नहीं गए, हाँ। तो कह रहा छुट्टी है, मास्टर जी के पिताजी खत्म हो गए। चलो कोई नहीं, ऐसी उम्र में बच्चे छोटी मोटी गलती करते रहते हैं। बाकी इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ, आगे तक लेके जाओ। नहीं पढ़ाई लिखाएगी इसको? क्यों, ये बिना पढ़े लिखे तो इतना दिमाग लगा रहा है। पढ़ लिख के पता नहीं क्या करेगा, संकट में ला देगा। संकट में इतना खौफ हमारे यहाँ ऐसा भी होता है? क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ सर। मेरा यूट्यूब चैनल है मिस प्रिया नाम से, आप प्रमोशन कर दो। मैं कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट मैंने कैरी मिनाटी की वीडियो देखी थी यही की। बहुत सही जवाब दिया था उसने, मगर मैं और मेरे को भी ऐसे बाई चांस रील में आ गई थी और उस पर म्यूजिक लगा हुआ था, वो वाला फिग्मा मेल वाला। मैंने कहा भाई ने क्या बात बोल दिया। म्यूजिक थोड़ा ज्यादा हो गया। आज की जो आवाम है ना, प्रोड्यूसर साहब समझदार हो गई है।
एक बंदा स्कूटर पर जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ओए हेलमेट का है, वो क्या कर रहा है? क्या जवाब है? हाजिर दिमागी इसी को बोलते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बीवी सबको दे दे। हमें तो दे ही रही है। बच्चों 5,000 4,000 3,000 फीस देते हो, 100 रुपया महीना दे के राजीव तलवार को गरीब हो जाओगे? तो इतनी हिम्मत तो सबको दिखानी चाहिए ना। बोल बेटा, एक कोचिंग की फीस 500-700, और उस कोचिंग में जाके आप भगत सिंह नहीं पैदा कर पाएंगे। इमोशनल डैमेज। बात तो सही है, बात तो वाकई सही। भगत सिंह का तुम इतना रेट लगा रहे जादू। ये मुझे उर्फी लग रही है, शायद कुछ और भी हो। अब बस हाल है, और मेरे सामने ही चाय पड़ी हुई है। और ये क्या, ये क्या है? अच्छा है कि हम टपरी की चाय पीते ही नहीं है। तेरे मुंह में चाय फेंक के मारूंगा, मुंह पे प्लास्टर लगा के चाय में बनाई आ गई। तो मेरे को बहुत ज्यादा गिल आती है चाय की। भाई किस्म का इंसान थे ये? यहाँ अपने नाम के ऊपर लिखा है, ये तो मैंने देखा इसका बाप। इसका क्या मतलब, क्यों लिखा है? दिल कर रहा था, मैंने अपने बेटे का नाम रखा इसलिए रोडिस का बाप। आपके दो बेटे, दूसरे का नाम क्या? आ गया भाई। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हेलमेट हम घर में भूल गए सर। हाँ। तो चलान आप कर रहे हैं। हाँ। एक चक्कर का 250 रुपए। ठीक है जी। हाँ। तो हम बोल रहे हैं कि महीना भर का कितना होगा भाई? पुलिस वाले बहुत पेलेंगे, पुलिस वालों से मजाक नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शो बिज में सक्सेसफुल होने के लिए एक्टिंग के अलावा कौन सा टैलेंट होना चाहिए इंसान? देने का। ये बॉय। प्यारी समझ गई। अब जो जो टैलेंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं वो मेरे में नहीं। वो टीवी पे नहीं है। समझ रहे हो? समझा? नहीं तू समझा नहीं। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, एक तो काट कर चली गई, अब क्या इरादा है आपका? हरक हरक और सड़क कहीं भी इंसान को ले जाती है। ओके, तो ये थे आज के मीम्स। और बाकी भाई द बॉयज से मुझे ये लग रहा था द बॉयज टेम्पलेट के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। कहीं कहीं पे टेम्पलेट था और मेजोरिटी में नहीं था, लेकिन ओवरऑल हम ये कहेंगे कि अच्छे थे मीम्स। एक दो ही शायद हमने देखे हुए थे, ऐसा नहीं था कि बाकी हमने देखे, एक दो ही देखे। मज़ा आया देख के। आप में से कौन सा मीम आपको अच्छा लगे ये बताइए कमेंट सेक्शन में। और नए नए मीम्स तो आप हमें शेयर कर ही सकते हैं, जैसे मुझे जो है वो गुलाटी साहब वाला अच्छा लगा। इसके अलावा वो जो मर्द का बच्चा है, या फिर वो जो गाड़ी में जो है ना फीमेल गुनगुना रही होती है उसको वो कहते हैं चुप। इसी तरह जो था और काफ़ी आगे आके ही थे। कैरी भाई वाला भी सही था, आल दो के उसमें थोड़ा म्यूज़िक ज़्यादा करके जो है ना वो कर दिया था उसको लैग। या फिर जो है ना द बॉयज़ वो भी सही था, और फीमेल वाला देती है वो भी ठीक था। साथ में जो लास्ट वाला था वो तो क्या ही बात है। तो मज़ा आया जी, ओवरऑल देख के आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। और इसी तरह नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे, बस आपने हमें सपोर्ट करते रहने। सी यू गाइस।